Hey everyone, my name is Likhita Awar and welcome back to my channel Legal Shorts with Vakil. I know आज आपका CLAT का result आया है, CLAT UG, and congratulations जिनको भी NLU के मतलब rank मिल रहा है, आपको NLU मिल सकता है, then congratulations to all of them and to all the other students जिन्हें rank कम मिली है, जिन्हें NLU नहीं मिल सकता, आपको पता ही चल जाएगा rank के वजह से, then डोंट वरी, देर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जो आप देख सकते हो, या लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है जो अभी मई में या अप्रैल में कंडक्ट होंगी, उसमें आप अच्छा कर सकते हो. अभी टाइम है क्योंकि अभी दिसंबर फर्स्ट वीक ही हो रहा है, तो यू हैव स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम कि आप इम्प्रूव करके उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. तो यस, कभी हार मत मानना. एंड यस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे और कौन से एग्जाम्स हैं. उसके पहले लेट मी जस्ट टेल यू, NLU या नॉन NLU, इट रियली डजेंट मैटर. लाइक मैं खुद NLU से नहीं हूँ, एंड आज मैं जब देखती हूँ पीछे, इनफैक्ट मेरा ILS भी 2 मार्क्स से छूटा था, तब मैं बहुत रोई थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, सो मेनी स्टूडेंट्स, मेरे खुद के स्टूडेंट्स, मतलब जो YouTube चैनल से मैं मदद करती हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं ILS, GLC ऐसे कॉलेजेस में. यू कैन रियली वॉच माई ब्लॉग, मैं जब ILS गई थी अपने स्टूडेंट्स से मिलने, इट वॉज लाइक अ सेलिब्रिटी वाइब. मैं जब इस चल रही थी और लोग मुझे पहचान रहे थे. एंड नॉट ओनली दिस, बट आई नो पर्सनली सो मेनी अदर पीपल, मतलब जो अभी लीगल इंडस्ट्री में एट द टॉप पोजिशन पे है, यू नो, फर्म्स के पार्टनर्स है, फर्म्स में भी बड़े पोस्ट पे है, एंड वो जजेस भी है, एंड वो सब भी NLU से नहीं है. तो यस, यू नो, इट रियली डजेंट मैटर. अगर आपको NLU मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशन. बट इफ यू हैवंट गॉट, देन दैट्स ऑल्सो नॉट द एंड. बहुत से बाकी डोर्स है, बहुत से बाकी कॉलेजेस है जहाँ से आप लॉ कर सकते हो एंड लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी बन सकते हो. सो यस, अ पर्टिकुलर एग्जाम कांट डिसाइड योर फ्यूचर, सो आप होप मत लूज करना. बहुत से बाकी अदर ऑप्शंस है, जस्ट हैव फेथ ऑन लॉर्ड कृष्णा, हैव फेथ ऑन गॉड, एंड लेट्स सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, एंड लेट्स सी व्हाट प्लान्स गॉड हैज फॉर यू. सो यस, लेट्स मूव ऑन. The first exam would be MHCET. CLAT के बाद सबसे ज़्यादा students appear होते हैं, that is MHCET को. And MHCET में भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे colleges मिलेंगे महाराष्ट्र में, like मराठवाड़ा मित्र मंडल, शंकरा सवान लॉ कॉलेज, GLC, ILS और बाकी के बहुत से भी अच्छे colleges हैं. तो यस, MHCET शुड बी योर टारगेट. अगर आपने MHCET के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, आपको लगता था कि CLAT में ही हो जाएगा, देन अभी भी टाइम नहीं गया है. यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल. अभी जितने भी महीने बचे हैं, 4 महीने, आप आराम से प्रिपेयर करके आप अच्छी रैंक ला सकते हो ना, अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई ओनली मेक वीडियोज रिलेटेड टू MHCET. मेरे खुद के स्टूडेंट्स है, यू नो, GLC ILS में. आप लोग व्लॉग भी जो देख सकते हो, मैं मिलने गई थी. एंड ऑल्सो आई विल बी पुटिंग अप अ लॉट ऑफ वीडियोज नाउ कंटिन्यूसली अबाउट MHCET प्रिपरेशन. सो आपको एक तैयारी के लिए हेल्प हो जाएगी एंड आपको मदद भी मिलेगी कि एग्जाम कैसा होता है, एवरीथिंग. सो यस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दैट. एंड MHCET का अभी तक नोटिफिकेशन कुछ निकला नहीं है. वो जनरली फेब में आता है, उसका एग्जाम भी मार्च अप्रैल में होता है. सो यू हैव टाइम, ओके. सो अभी से आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन एंड यू विल रियली गेट अ गुड कॉलेज इन MHCET. सेकेंड इज स्लैट. स्लैट इज सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट. इसका स्लैट मतलब सिम्बॉयसिस में, अगर आपको जहीं पे भी लेना हो, सिम्बॉयसिस का यू नो ब्रांचेस है, लाइक नागपुर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, एंड इन सबका वो कंडक्ट करता है स्लैट के थ्रू. सो स्लैट भी होता है इसमें अप्रैल या मई में, तो आप उसको भी दे सकते हो. बट ओनली मेक श्योर कि आप एक बार फीस चेक कर लेना सिम्बॉयसिस का, करंट फीस हॉस्टल के सहित या बिना हॉस्टल के भी, एंड एक बार कैलकुलेट कर लेना कि विल यू एबल, आर यू लाइक एबल टू अफोर्ड इट और नॉट. बिकॉज 5 ईयर्स का होता है, 20 लाख्स तो मिनिमम ही होता है, बट इट्स इट डिपेंड्स अपॉन यू. आप एक बार फीस चेक कर लो. थर्ड थिंग इज एलेट. एलेट आज बहुत लोगों ने दिया होगा, क्योंकि आज मैं संडे 10th को शूट करी हुई है, तो आज ही आपका एलेट एग्जाम भी था. तो यू नेवर नो, अगर आपका क्लैट बुरा गया होगा, दैट डजंट मीन कि एलेट भी बुरा जाएगा ना. एलेट अच्छा गया होगा तो आपको NLU दिल्ली में सीट मिल जाएगा. तो यस, एलेट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज DU LLB.
तो पिछले साल DU ने 5 years के लिए एंट्रेंस ओपन किया था. आई डोंट नो उसका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है क्योंकि दैट्स अ लॉट ऑफ इनटू कंट्रोवर्सी. बीच में उन्होंने लिया था कि क्लैट के थ्रू वो एडमिशन लेंगे, फिर CUET वालों ने केस डाला हुआ है, सो समथिंग कंट्रोवर्सी चल रहा है. तो अभी तक उनका वो 5 years का एडमिशन हुआ है या नहीं पता नहीं, बट फॉर योर बैच आप तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो यू इवन हैव एन ऑप्शन ऑफ DU LLP, मतलब 5 years का जो कोर्स है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो. DU इज ऑल्सो हैज अ ग्रेट नेम, आपको पता ही है. DU में से ऑलमोस्ट जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत से लोगों ने DU से ही किया है. इनफैक्ट करंट CJI ऑनरेबल जैसे DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी अपना LLB DU से ही किया है. तो येस, DU हैज लाइक अ लॉट ऑफ लेगेसी, अ लॉट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, a lot of people have done their law from DU. तो आपके लिए तो DU भी option open है. Next option are private colleges. Now a lot of private colleges क्या करते हैं, CLAT के score के through वो admission लेते हैं. अगर आपको उन colleges में जाना है then it's really great. Wait for 2-3 more days. आपको उनके खुद के mails आएंगे, यू नो उनके कॉलेजेस के मेल्स आते हैं, देन यू कैन टेक एडमिशन इन टू दोज कॉलेजेस और ऑल्सो यू कैन अप्लाई टू देयर वेबसाइट्स. नाउ लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ दीज कॉलेजेस. नंबर फर्स्ट वन वुड बी एमिटी. एमिटी के भी ब्रांचेस है, लाइक यू नो नोएडा वाला है, मुंबई वाला है, एंड अदर सिटीज में भी है, जयपुर में है, बाकी सिटीज में भी एमिटी है. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी सिटी में लेना है, आप कहाँ के हो. एंड ऑल्सो इन सब कॉलेजेस में के बारे में ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक हाउ इज द कॉलेज एंड ऑल. आई विल ट्राई मेकिंग अ वीडियो आस्किंग माई फ्रेंड्स हु आर करंटली स्टडिंग टू एमिटी, और इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू एनी स्टूडेंट्स हु इज स्टडिंग इन एमिटी, जस्ट पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम. मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज लीगल शॉर्ट्स विद वकील, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एंड आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो, एंड आई विल रियली हेल्प यू कनेक्ट विद माई फ्रेंड्स हु हैव ग्रेजुएटेड और करंटली स्टडिंग इन एमिटी. द नेक्स्ट कॉलेज इज NIMS, NIMS. ओके, तो NIMS जो है मुंबई में है, इसके दो ब्रांचेस है मुंबई में ही. यस, NIMS NIMS भी बहुत फेमस है, इसको अलग नाम से भी बोला जाता है, KP मेहता कॉलेज, दैट्स द सेम. ओके, तो ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो क्लैट के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन लेता है. तो अगर आपको इसमें लेना है देन कीप चेकिंग द वेबसाइट्स. थर्ड कॉलेज वुड बी निर्मा. निर्मा इज इन अहमदाबाद गुजरात. सो येस, निर्मा इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट नेम. अगर आपको निर्मा में लेना है उनके भी वेबसाइट चेक करते रहो क्योंकि वो भी क्लैट के स्कोर थ्रू एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट इज विप्स एंड सर्टन कॉलेजेस इन दिल्ली रीजन. ओके, तो विप्स जो है ये बहुत फेमस कॉलेज है यू नो दिल्ली में, एंड वहाँ पे मतलब बहुत लोग एडमिशन लेते हैं. बहुत से लॉयर्स आई नो पर्सनली हैव बीन ग्रेजुएटेड और करेंटली स्टडिंग इन विप्स, एंड विप्स का भी जो है एडमिशन वो क्लैट स्कोर के थ्रू ही होता है. सो इफ यू आर समवन फ्रॉम दिल्ली, प्लीज डोंट मिस आउट दिस चांस कि आप कीप चेकिंग देयर वेबसाइट. अनदर कॉलेज इज GISSU PU. आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग दैट कॉलेज नेम, बट यू नो दिस इज लाइक गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, विच इज अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, एंड इसके अंडर बहुत से कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस. इनफैक्ट इनका भी मेन कैंपस है क्योंकि मैंने बहुत से एडवोकेट्स का यू नो लिंक्डइन पे देखा है कि दे हैव रिटन लाइक ग्रेजुएटेड फ्रॉम गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज. इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, प्लीज डोंट मिस आउट दिस चांस. अनदर थिंग, इफ यू वॉन्ट टू इवन स्टडी इन दिल्ली, प्लीज डोंट मिस आउट दिस चांस. उनके वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना, इनके अंडर भी बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो दिल्ली में ही आते हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो. यू नो व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिल्ली इज इफ यू रियली वॉन्ट टू गो लाइक यू नो फॉर लिटिगेशन, और इफ यू वॉन्ट टू लाइक रियली परस्यू इन जुडिशरी, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कोचिंग मिल जाएगा. एंड इफ यू आर नियर टू दिल्ली ऑल्सो, अगर आप दिल्ली में ही हो देन ऑल्सो दीज ऑप्शन आर ओपन. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि दीज कॉलेजेस एक्सेप्ट क्लैट स्कोर, एंड उनको बहुत लेट में पता चलता है जब तक इनका एडमिशन प्रोसेस सब कुछ हो जाता है, एंड इट्स वेरी लेट एट दैट पॉइंट. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि अभी से आप इनके वेबसाइट्स चेक करते रहना, वहाँ पे आ ही जाएगा लिंक. ओके, नाउ द नेक्स्ट वुड बी your local state universities. Like if you are not from Maharashtra, Maharashtra में तो अगर local state universities भी है उसका भी admission MHCET के through ही होता है. Let me make this very clear कि महाराष्ट्र में जितने लॉ colleges हैं, जो भी government aided या government के under है, government state university के under है,
वो सभी का एडमिशन MHCET के थ्रू ही होता है. तो इफ यू रियली हैव लाइक ड्रीम टू स्टडी इन मुंबई पुणे इन द कॉलेजेस विच आर अफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी विच आर अफिलिएटेड टू सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज जो भी यू नो लोकल महाराष्ट्र में लाइक पुणे सोलापुर यूनिवर्सिटी हो गया सातारा यूनिवर्सिटी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के में अंडर आपको लॉ करनी है देन MHCET इज द ओनली ऑप्शन. उसका कोई और अदर सब्स्टिट्यूशन नहीं है. सो नाउ द स्टेट यूनिवर्सिटीज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फ्रॉम MP और UP तो आपके जिस भी सिटी में होंगे तो वहाँ पे आपके लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं. लाइक रिसेंटली आई मेट अ स्टूडेंट यू नो ही स्टडिंग इन टू कानपुर यूनिवर्सिटी. तो यही मैं जो बोल रही हूँ लोकल यूनिवर्सिटीज आपके जो स्टेट के अंडर होते हैं या उत्तराखंड में हो आप तो देहरादून यूनिवर्सिटी आई एम नॉट श्योर बट यू नो दे माइट बी यूनिवर्सिटीज होते ही हर सिटी का यूनिवर्सिटी. तो अगर उसमें आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू टू डू टू थिंग्स. वन इज आइदर कीप चेकिंग द वेबसाइट पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग वुड बी टू गो एंड मीट दोज स्टूडेंट्स नियर देयर और ट्राई फाइंडिंग आउट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी. फॉर दैट यू कैन DM मी इफ आई हैव लाइक सम कनेक्शन. जैसे मैंने बोला कानपुर यूनिवर्सिटी में आई नो स्टूडेंट आई कैन हेल्प यू कनेक्ट. बट इफ इवन आई डोंट नो अगर आप उस सिटी के लोकलाइट हो मैं एक ही चीज आपको बोलूंगी कि आप कॉलेज जाना एक बारी देखना वहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे ना सीनियर्स उनसे बात करना उनको बोलना कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है कब फॉर्म स्टार्ट होता है एक बार पूछ के जरूर आना एंड कीप दैट एडमिशन एज अ बैकअप. यू नो जनरली MHCET एंड ऑल सब कुछ आप ले सकते हो एडमिशन. वैसे आपको यू नो दैट प्रोसेस बहुत लंबा चलता है बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल की एक लोकल यूनिवर्सिटी में अगर आपको श्योर नहीं है कहीं पे भी क्या एडमिशन लेना है यू आर वेरी क्लूलेस देन इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक एडमिशन इन टू योर लोकल यूनिवर्सिटी एज अ बैकअप. लेटर ऑन यू कैन सजेस्ट यू नो थिंक अबाउट इट एंड टेक डिसीजन वाइजली बट उसके लिए आपको उस कॉलेज में जाके देखना ही होगा क्योंकि यू नो एवरी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग होता है एंड दिस आर लाइक लोकल यूनिवर्सिटीज राइट. सो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं होती है अनलेस एंड अंटिल यू गो देयर एंड आस्क. सो येस दिस वुड बी द कॉलेजेस यू हैव ऑप्शंस. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस. अभी जैसे क्लैट रिजल्ट आउट होता है सबके फोन कॉल्स एंड सबके ईमेल्स आएंगे लोएडा या अनदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन सबके कॉलेजेस के आपको मैसेजेस आएंगे ही आएंगे. आप उसके ऊपर डिसीजन आपका खुद का ले सकते हो कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी है या नहीं. इट वुड बी योर डिसीजन ऑब्वियसली एंड टेक अ वाइज डिसीजन आई वुड से एंड लुक सो मेनी अदर ऑप्शन आर ओपनड अप. ऐसा नहीं है कि क्लैट एक ही था ओके देर आर सो मेनी कॉलेजेस राइट. तो येस दिस इज नॉट द एंड there are lot of other opportunities waiting for you all. So abhi CLAT nahi hua hai so that's not the end. You have so many other options open like right maine abhi is video mein bola hai so many other colleges are there waiting for you. So yes dukhi mat hona there are so many other options and yes let's get on this journey and let's see aap kaun se colleges mein admission lete ho. And yes, please do subscribe to my channel because I only make videos related to law students and their entrance examinations, specifically on MHCET. And yes, I will help you in all the other ways also. So you feel free to DM me on my Instagram page and also please do follow me out there. Until we meet, the video has been Arjun. Bye-bye.